हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ आलू और चने की सब्जी, जो कि हमारे देसी चने होते हैं ब्लैक वाले, तो उन्हीं की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। और उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए तो वो मैं दिखा देती हूँ आपको। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी करिए, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए देख लेते हैं हमको क्या क्या चाहिए उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए आलू, उबले हुए आलू है। चने के साथ मैंने इनको दोनों को उबाला है और ओवरनाइट इसको भिगा के रखा था चने को, और उसके बाद मैंने 2-3 सीटी लगा करके इसको उबाल लिया है, और साथ में आलू भी। यहाँ पे तो तीन तीन बड़े टमाटर कट करके रखे हैं, 2 प्याज है कटी हुई, लहसुन की कलियाँ हैं लगभग 15 से 20 कलियाँ, यहाँ पर है हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, तेज पत्ता और थोड़ी सी दालचीनी 2-3 टुकड़े, हरी धनिया कटी हुई, और यहाँ पे थोड़े से मसाले हैं, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो जो लहसुन और प्याज का है, प्याज है, इसको हम पेस्ट बना लेंगे पहले। इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए दोनों को हमने पेस्ट बना लिया है, टमाटर का भी और अदरक लहसुन प्याज का भी। इसमें मैंने एक छोटा पीस अदरक का भी डाला हुआ है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच, और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले ये आलू। तो इनको हम थोड़ा सा अच्छा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए हमारे आलू बिल्कुल गोल्डन कलर के हो गए हैं, और अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू अपने निकाल लिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, तेज पत्ता और दालचीनी और हरी मिर्च, इन सबको हम एक साथ डाल देंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है, इसको अच्छे से भून लेना है हल्का गुलाबी होने तक, इस तरह से चलाते हुए इसको भून लेना है अच्छे से। तो ये देखिए प्याज बिल्कुल हमारा पक चुका है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे सारे मसाले मैं एक साथ डाल देती हूँ, और इनको भी हम अच्छे से भून लेंगे पहले। सूखे मसाले हैं, बहुत ही जल्दी अच्छे से भून जाएंगे। अब हम डाल देते हैं एक टमाटर की प्योरी, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। हमने आलू और चने दोनों को मिक्स कर दिया। जब आप टमाटर अच्छे से पक जाए तभी आप आलू और चना को मिक्स करें, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। इनको हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेंगे 2-3 मिनट तक। आलू तो हमारे वैसे भी भुने हुए हैं, चने बस थोड़े से भूनने हैं। हमारी सब्जी अच्छे से भून चुकी है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो लगभग 400 ml पानी में इसमें डाल रही हूँ, और आप जितना इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना पानी डाल सकते हैं। और हम इसको लगभग 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में ढक के रख देंगे, छोड़ देंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, 1/2 चम्मच, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे, तो मैं भी इसको डाल देती हूँ। ये देखिए इसको हम लास्ट में डालेंगे और थोड़ा सा 2 मिनट पका लेंगे।
तो ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसमें डाल देते हैं कटा हुआ हरा धनिया, जिससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और देखने में बहुत अच्छी लगती है सब्जी। और इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारी आलू चने की सब्जी बनकर तैयार है और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं और कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है और बहुत ही आसान तरीके से बन भी जाती है 10 से 15 मिनट में। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आप भी इस तरह से बनाइए घर पे आलू और चने की सब्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।